मेरा नाम जोया थॉमस लोगो है और प्रोफेशन से मैं इंडिया से फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट हूँ। मेरी एज अभी 28 है। जब ये अनाउंसमेंट होगा कहते इंडिया से फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट जोया लोगो को पुलित्जर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, उसे ये अवार्ड मिला है। सोसाइटी में जितना अवेयरनेस होगा ट्रांस कम्युनिटी को लेके, जितना सेंसिटाइजेशन होगा, उतना ये लोगों की थिंकिंग जो हमारे लिए नेगेटिव थिंकिंग है, जो हमारे लिए मिथ्स है, वो कम होगी। कि एक जगह पे हमें स्पिरिचुअल भी माना जाता है और एक जगह पे हमें सेक्सुअल नज़र से भी देखा जाता है। बहुत से टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं वैसे लोगों को कभी कभी इग्नोर कर देती हूँ, या कभी कोई आके मुझे ऐसे अप्रोच करता है तो फिर मैं उस टाइम पे उस बंदे को एक ही बोल देती हूँ, भाई साहब तू गूगल ओपन कर, ये मेरा नाम है, तू गूगल पे डाल, तुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ। जसं तुमचं येतं माझ्याकडे ते नंबर्स आहेत, त्याच्यावरती मी फॉरवर्ड करते, कारण की वीकली न्यूजपेपर आहे आमचं, ठीक आहे, डेली नाही आहे। हॅलो, हां, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इधर ना वी टी आज़ाद मैदान साइड आई थी, ठीक है, वी टी आज़ाद मैदान साइड, हाँ, यहाँ पे ना कुछ रिटायर्ड टीचर्स और फिर कुछ ऐसे जो आशा वर्कर्स और ये लोग नहीं रहते हैं। हेलो हेलो, हाँ हाँ, इन लोग का ना प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कुछ फ़ोटोज़ कवर किए हैं मैंने और उनका प्रेस नोट भी है मेरे पास, तो वो मैं भेज रही हूँ शाम तक। जी मैडम, दे बाबू, दे जी, एक दो रुपये तो दे, तेरे ऑफिस में काम रहेंगे तो मुझे लेको चल, मैं काम करूंगी तेरे साथ, काम कर मेरे साथ चल। हाँ तो लेकर चलो, चलो कहाँ चलूँ, चलो बेलापुर चलना है, बेलापुर मेरा एक मीटिंग है, करके आता हूँ बाद में। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मेल आईडी बताओ, मैं तुमको मेरा सीवी मेल करती हूँ। ले बाबू दे भैया, चलो पूरे दिन भर में कोई एक पहला आदमी तो मिला हाँ बोलने वाला, ये बाकी लोग तो सीधा ऐसा हाथ दिखा देते। आपने ये बोला, मुझे सुनकर खुशी हुई कि कोई तो एक सिटीजन है सपोर्ट करने वाला। जरूर सपोर्ट करेंगे। ये नहीं तो बाकी के पढ़े लिखे भी इलिटरेट है। ए सेठ जी, दे बहन, बहन ने 2 किलो मेकअप करी पर 1 रुपये देंगी नहीं। दे बाबू दे भैया, ले भाई दे जी। फिलहाल के लिए तो मुझे ट्रेन पे जाना लाजिम है, क्योंकि
अगर मैं ट्रेन पे नहीं जाऊंगी तो मुझे रेंट कैसे भर पाऊंगी? सोसाइटी उन्हें जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगी आगे बढ़ने की, उन्हें बेगिंग ही करना पड़ेगा। आज अगर मैं ट्रांस हूँ तो मेरे में कुछ आर्ट है। All Indians are my brothers and sisters. और कॉन्स्टिट्यूशन जब कहता है कि हर इंसान को काम करके जीने का हक अधिकार है, तो हमें भी तो उसमें हक अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी हमारे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हमारे में भी टैलेंट है, हमारे में भी खूबी है। है कुछ खबर? बहुत कल आई थी, मैं तो सोया था। अरे नहीं, अच्छा नहीं लगता। हेलो जी, अच्छे से गिनती करी, अच्छे से माल निकाली हमारे सेट का। इधर आओ। थोड़ा साइड आ। लाओ, सगुन लाओ। हमारा एक का दो हो गया, दो का तीन हो जाए, तीन भी हो गया, चार हो जाए। अभी तो सही बात बोली, एक ही था, एक का दो हो गया, अब दो का तीन हुआ और चार भी हो जाए जल्दी से सेट का। लिखू नहीं लिखू, वही अपना जो लिखते हैं। किसी का बहुत हैप्पी चाइल्डहुड होता है, पर शायद मेरे चाइल्डहुड में उतना हैप्पी हैप्पीनेस नहीं था, क्योंकि स्ट्रगल ये जो वर्ड है या इसे महसूस करना, मैंने एट द एज ऑफ 10 या 9 से ही देखना स्टार्ट किया था। एट द एज ऑफ 11 मेरे को थोड़ा थोड़ा रिकग्नाइज, यानी 10 साल की उम्र में एक अलग सा एक फीलिंग आने लगा, एक अलग सा यू नो थिंकिंग होने लगा मन में। तो कभी कभार मुझे वो फोकल वर्ड्स यूज़ करके छेड़ा करते थे या सताया करते थे, तो हमेशा मेरी बहन मेरा एक सपोर्ट रही है, बैकबोन रही, वो हमेशा मेरे लिए आर्ग्यू करती थी कि वो वैसा नहीं, अब क्यों उसे छेड़ते हो। हाँ, जब मुझे पता चला तो मैंने फिर मेरी मम्मी से बात की इसके बारे में। वो पीरियड भी ऐसा था कि एक्सेप्ट था भी और ना भी, ऐसा था हाँ ना के बीच में था। फिर कभी वेटी स्टेशन जो है मुंबई का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, यहाँ पे हमने रह के दिन निकाला है पैसेंजर के वेटिंग एरिया में, कभी प्लेटफॉर्म्स पे, और स्कूलिंग भी कुछ इतनी अच्छे से नहीं हो पाई मेरी। जब मैं ट्रेन में मांगती हूँ या कहीं पे कहीं जाती हूँ, तो बहुत टाइम पे लोगों को लगता है दैट हम इलिटरेट है, हमें कुछ मालूमात नहीं है, तो वो लोग बहुत से टाइम पे हमारे को देख के इंग्लिश में कमेंट्स पास करते हैं। तो उस टाइम पे मैं अपनी इंग्लिश को मैं अपना एक ऐसा शस्त्र बनाती हूँ कि
जो इंग्लिश बंदा अगर मेरे बारे में इंग्लिश में कुछ कमेंट पास कर रहा है ना, मैं ताबड़तोब उसे उस जगह पे इंग्लिश में उसको बैक आंसर कर देती हूँ। तो वो इंसान को हैरान करने वाली बात होती है, दैट ये बंदी कैसे इतना इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकती है। रिगल के पास ही जाना है कि गेटवे के पास? रिगल के पास। सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो वो पढ़ाई नहीं हम पूरी कर पाए, पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई तो जॉब्स नहीं हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आपके दोनों हाथों को ऐसे घस के अपने फेस पे रब करके बड़ी सी लंबी सांस अंदर भर लीजिए, जो स्ट्रेस है, जो थकान है उसे दूर करके हम एक अच्छे एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। जब आप उस जगह पे खड़े हो ना, जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी टेंशन है, जितना कुछ है ना, बस लंबी सांस लेके सांस जब छोड़ोगे ना, तो सोचना कि वो लाट के साथ आपके वो पूरे टेंशन चले गए। पर वो लाट जब फिर आएगी ना, ये सोचना कि कुछ नई उम्मीद, एक नई जीने की जुनून मेरे में लेके आई है और मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। ये जितना टेंशन है उधर ही छोड़ो और जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उधर से फिर से लेके अपने में फिल्टर करो। इससे आपको और आगे बढ़ने की, बोलते ना, ताकत मिलेगी। हमारा मानसिक तरीके से रेप होता है, लोग तू ता ये वो, इधर मत आओ, बुला के भी बहुत लोग अपमानित करते हैं, बहुत लोग देख के मुंह बनाएंगे, दूर रहो, कोई मुंह पे कपड़ा लगाएगा, ये सब चीज़ों से बर्ताव करते हैं। पर हम उन चीज़ों को इकट्ठा सह लेते हैं, फिर रात होते उन चीज़ों को भुला के नेक्स्ट डे सुबह उठ के फ्रेश होके तैयार होके वही मेकअप करके एक स्माइल लेके हम फिर से जाके उनको एक अपना रिलेशन के जैसा उन्हें हम ये करते हैं, हम भाई दादा बाबू करके बात करते हैं। पर फिर कभी कभी मैं अंदर ही अपने आप में टूट जाती हूँ कि सोसाइटी मेरे साथ कैसी बिहेव करेगी। पर स्लो एंड स्टेडी अपने आप में उम्मीद पैदा कर रही हूँ, एक होप पैदा कर रही हूँ कि नहीं, अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी वहाँ कर सकती हूँ।